24 घंटे के अंतर्गत पुलिस ने पूरा केस का खुलासा किया है। ये घटना में निकाला है जो महिला का मृत्यु हुआ था उसके बेटा ने अपना माँ का हत्या किया है। कौरसी थाना अंतर्गत सरोज नगर में 19 तारीख में शाम को आफ्टरनून में ये घटना हुआ था, लूट का मर्डर हुआ था। उस घटना का पुलिस ने अनावरण किया है। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम गठित करके हमने तुरंत कार्य किया है। 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस ने पूरा केस का खुलासा किया है। ये घटना में निकाला है जो महिला का मृत्यु हुआ था उसके बेटा ने अपना माँ का हत्या किया है। वो घर का अंदर जो सामान था लूट करने का इरादा में उन्होंने हत्या किया है और हत्या करने के बाद पूरा सामान घर के अंदर जो भी ज्वेलर्स है लगभग 1 करोड़ रुपया का जेवरात है, उस पर सोना है, हीरा है और चांदी है, सब है। और पुलिस ने 100% पूरा माल रिकवरी किया है। उस घटना में शामिल हुआ जो 4 लोग है, चारों को पुलिस ने अक्यूज को गिरफ्तार किया है। उनका मौके पर 3 लोग था, मृतक का बेटा है और उनका दोस्त तनु और तनु का गर्लफ्रेंड है। और उसका प्लानिंग करने में जो मृतक का बेटा का पत्नी है वो अपना घर पर रहती थी, वो उनका भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। पूछताछ में उन्होंने बताया, जो मृतक का बेटा है उन्होंने बताया, हम मम्मी से पैसा मांगा था उन्होंने नहीं दिया पापा मम्मी ने, इसके बदलाव लेने के लिए हमको खर्चा बहुत जरूर पड़ी, वो अलग रहता था पिछले 4 महीने में, और उसका खर्चा को पूरी करने के लिए उन्होंने योजना बना के 1 सप्ताह पहले योजना बना के उस दिन घटना किया है। वो जो योगेश और उनका दोस्त और दोस्त का गर्लफ्रेंड तीनों लोग 2 मोटरसाइकिल में गली पर आया था। गली पर आने के बाद वो गर्लफ्रेंड का रोड पे बाहर खड़ा किया गलियों में उन्हें आवाज़ का निगाह रखने के लिए, और योगेश और उनका दोस्त तनु दोनों ने गया वहाँ पे दरवाज़ा खड़खड़ा किया और मम्मी ने जो मृतका ने पहचान लिया उसका लड़का का अंदर तुरंत जाना थे, तुरंत उनका गला दबा दिया उन्हें, उसके बाद उनका गला दबा के बाथरूम में डाल दिया, उसके बाद उन्हें पूरा घटना करा दिया। नहीं, इस पर किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इन लोग सब पहली बार इस तरह घटना किया है।